चाहिए, यही हमारे संविधान की खूबी है, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की यादें हैं, उनका विश्वास था, उनका भरोसा था कि हम एक ऐसे संविधान की तरफ पड़े हैं, एक ऐसा संविधान हमने बना के रखा है जो केवल कोरी किताब ना होके पूरे देश को नई दिशा देगा, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा है, दुनिया का सबसे लचीला और कठोर संविधान हमारा है, उसमें ही तो लिखा है, उसी में तो लिखा है कि अनुदेशकों को न्याय दे दो, उसी के आर्टिकल के आधार पे तो अनुदेशक उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं, वहां संघर्ष कर रहे हैं, उनकी बात मान ली जाए। अब पीछे आपने देखा अभी परसों की डिबेट थी कि अंडरवर्ल्ड चीफ जस्टिस साहब यहाँ अनुदेशकों के मसीहा के रूप में उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आदरणीय एपीसी साहब की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को भरोसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन इलाहाबाद की धरती पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में आदरणीय एपीसी जी उपस्थित होंगे उसी दिन 12 मई को उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की स्थिति बदल जाएगी और उसी दिन माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला देगा अनुदेशक के पक्ष में, क्योंकि ये केस लगभग पूर्ण हो चुका है और भारत सरकार ने खुद इस केस में हम लोगों के पक्ष में फैसला लगाया है, अपना एफिडेविट उसमें दाखिल किया है, जैसा कि आपने आदरणीय एपीसी साहब जी ने भी देखा होगा केस को। तो जहां तक इच्छा शक्ति और नीति और नियत की बात हो रही है, अभी मैं पढ़ रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इस देश में सबको न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय तो सर मकड़ी का एक ऐसा जाल है जिसमें अनुदेशक संविदा कर्मी कीड़े मकोड़े के रूप में फंस जाते हैं और बड़े बड़े जानवर उसको फाड़ कर निकल जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी सर यही हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार अरे बुलडोजर चलाना है तो अनुदेशकों की समस्या पे चलाओ, अनुदेशकों का जो 100 बच्चों की समस्या है इस पर योगी जी बुलडोजर चलाइए, अनुदेशकों का जो 17,000 रुपया एक एक अनुदेशक का लेकर 6-6 से 7-7 लाख रुपया लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी है उस पे योगी जी बुलडोजर चलाइए, जो ये महिला अनुदेशकों के साथ जो ट्रांसफर पोस्टिंग की समस्या है 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करके लोग विद्यालय जाते हैं, इस महंगाई में 300 रुपया मिलने वाला है और 200 से 250 रुपया प्रतिदिन पेट्रोल में जलवाते हैं, उन पे बुलडोजर चलवाइए योगी जी। जब इस पे बुलडोजर चलवाएंगे उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के अंदर मुकसुराहट पैदा होगी, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जब धन धान होगा इस प्रदेश के लोगों को लगेगा, उनके परिवार को लगेगा कि हमारा भाई, हमारा पति, हमारा पुत्र उत्तर प्रदेश का अनुदेशक है और गर्व से कहेगा कि हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशक है। अरे 7,000 देने के लिए हम योग्य हो जाते हैं और जब 70,000 देने की बात होती है तो हम अयोग्य हो जाते हैं। अरे हम तो आपको कह रहे हैं कि आप हमारी परीक्षा लीजिए ना, कौन मना किया है आपको, आप हमको नियमित करिए ना, आप कैसे नियमित करेंगे आपकी समस्या है, कोई परीक्षा से भाग नहीं रहा है, आप परीक्षा लीजिए उत्तर प्रदेश का एक एक कर सकता हूँ जितनी क्षमता है उससे भी अधिक करूँ जाके, क्योंकि बात एक की नहीं है, बात इतने लोगों की है, आपकी भावनाओं की, जन भावनाओं की, हमारा पूरा प्रयास रहेगा, बस कुछ ऐसी अनअवॉइडेबल केस हो जाते। मेरे परिवार की तरफ से मैं अभी से बता दूं, पूरे जीवन में कभी कोई बाध्यता नहीं रहती, सामाजिक जीवन में भी बाध्यता नहीं रहती, बस कोर्ट के, क्योंकि अनअवॉइडेबल सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, वहां ये नहीं वो पसंद करते हैं अनअवॉइडेबल सुप्रीम कोर्ट के अनअवॉइडेबल जजेस कि आप हाई कोर्ट गए और हमें छोड़ गए, ये उन्हें लगता है कि तो मेरा मान सम्मान बहुत खराब हो गया, वो बात ये है बस। लेकिन मैं वहां भी प्रयास करूंगा, मैं वहां ये दलील देने का प्रयास करूंगा कि आपके मुकदमे कम करने के लिए जैसा आप जा रहा हूं मैं कि अनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस कम आए, आपको दुखी ना होना पड़े, आपको परेशान ना होना पड़े, आपको माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से ना कहना पड़े, आपकी बात को देश की मीडिया ना चलाए, देश की बात बाहर ना जाए, दुनिया में ना जाए, हमारी न्याय की व्यवस्था की हंसी ना बने, इन सब समस्याओं के लिए मैं वहां जा रहा हूँ और किसी के लिए थोड़ी जा रहा हूँ वहां। तो मेरा प्रयास पूरा रहेगा
कि आपकी आपके केस लेवल हाई कोर्ट में पेश हूँ। बस थोड़ी सी ऐसी समस्या हो जाती है, एक्चुअली आप ही हैं मीडिया वाले, आप ही चैनल वाले हैं, अगर कोई ऐसा मैटर हो जाता है जिसमें मैं नहीं पेश हूँ तो आप ये नहीं दिखाएंगे कि मैं हाई कोर्ट में हूँ, बस आपको बहाना मिल जाएगा डॉक्टर एपी सिंह जानबूझ के नहीं है, जानबूझ कर उपस्थित है, जस्टिस डिले करना चाहते हैं, ये उनकी टैक्टिस है, ये उनका पैतरा है, ये उनका ये तरीका। आप ही लोग होते हैं हमारे पीछे से रिकॉर्डिंग करने वाले, ये तो सब आप झेल चुके हैं, इस समय तो आप परिपक्व हो गए। हाँ ये सब तो बस इसी समय तो आपसे डर लगता है, हमें तो आप लोगों से डर लगता है कि आपके अखबार की सुर्खियां बन जाती है अगले दिन हेडलाइन, डॉक्टर एपी सिंह डिफेंस काउंसिल नहीं पहुंचे, लोगों ने कहा ये उनका नया पैंतरा है, ये उनकी नई तरीका है, ऐसा सुनना लगता तो मन दुखी होता है। बस इसीलिए मेरे परिवार की तरफ से कभी जीवन में, जब से वकालत के 24 साल होने जा रहे हैं, वकालत के जीवन में रहा हूँ, हमारे परिवार में लगभग सभी लोग वकील हैं और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, हमारे सामाजिक रिश्तेदार, परिवार के लोग, रिश्ते नातेदार कभी मुझे कोई शिकायत नहीं करते। लोग कहते हैं गिला शिकवा हो रहा है, वो कहते हैं अगर संडे की होगी तो हम जोर रखते हैं साहब, और दिन की हमारे पास जोर नहीं।